सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन जहाँ पे हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं सब्सटेंस को चीज फिनमिनल सब कुछ सेम है लेकिन वहाँ पे हमने फ्यूजन डाला है यहाँ पे वेपराइजेशन डाला है वहाँ हम यहाँ पे फ्यूजन में हम सॉलिड से लिक्विड करते हैं यहाँ पे हम लिक्विड टू गैस करते हैं वहाँ पे हमने एग्जाम्पल में आइस डाली थी यहाँ पे हम एग्जाम्पल में वाटर डाल रहे हैं क्योंकि हमें लिक्विड से गैस करना है तो अगेन दिस इज एन असेंबली ऑफ द बॉइलिंग वाटर अब आप ये देख सकते हैं कि वाटर बॉईल हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वहीं का वहीं है अब जनरली 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा द रीजन बिहाइंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे तो ये देखिए यहाँ है एट द टेम्परेचर 100 डिग्री द वाटर बॉइल्स एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम वाटर 100 डिग्री पे स्टीम में चार्ज हो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है एज मोर हीट इज गिवन टू द वॉटर दिस मोर फॉर्म ऑफ स्टीम इज देयर बट रीडिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब रीडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो रीडिंग 100 डिग्री से नहीं बढ़ रहा है देर इज नो राइज इन द टेम्परेचर बिकॉज वंस द वॉटर हैज बिगिन टू बॉइल the टेम्परेचर remains constant at डिग्री degree ऑल द वाटर water changes into द स्टी जो हीट है जो अंदर जा रही है और इंक्रीज नहीं कर रही है टेम्परेचर सिर्फ वाटर का चेंज कर रही है स्टेट उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन फिनन में हीट तो एब्सॉर्ब हो जाती है बाई द सबस्टेंस बट ये अपना स्टेट कन्वर्ट करे वो स्टेट कन्वर्ट करने के बाद टेम्परेचर को एलिवेशन मिलता है तब तक नहीं मिलता है और दूसरा कंडीशन यह होता है कि जैसे पानी है तो हर मॉलिक्यूल पानी का जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और अब इस बीकर में सिर्फ अगर स्टीम ही बाकी रहती है तो टेम्परेचर आगे इंक्रीज होगा वरना आगे नहीं होगा सो दिस इज नोन एज इसमें वेपर फॉर्म होता है इसीलिए इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं नाव वी आर गोइंग टू द फिनोमिन सब्लिमेशन अच्छा और एक चीज बिफोर जाने से सब्लिमेशन में Uh, हमें पता है या फिर आपको अगर नहीं पता है तो यू कैन आस्क योर मम दैट स्टीम जो होती है ना वो ऑलवेज हमें ज़्यादा बर्न करती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर तो ये क्यों होता है और पता है बर्न होने के बाद भी uh, अंदर ना जलता रहता है द रीज़न बिहाइंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर होता है जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है और उसी टाइम ये स्टीम जो होती है अगर सीवियर बर्न करती है तो वो अंदर अंदर आपकी स्किन को जला सकती है जब पानी ऐसा होता है कि पानी में उतना लेटर्न हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है जो स्टीम करता है इसी की वजह से जो स्टीम होती है वो ज़्यादा बर्न करती है एज कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर क्या बर्न करती है स्किन को ठीक है नाउ कमिंग टू सब्लिमेशन सब्लिमेशन इज द सिंपल फिनमोन ये डेफिनेशन बहुत ही पूछी जाती है इसलिए ध्यान से सुनना सब्लिमेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इन टू द वेपर फॉर्म तो जब और वेपर फॉर्म भी मतलब जैसे चेंजिंग ऑफ द सॉलिड इंटू द वेपर इधर आप हीट कर लो इधर आप कूल cool कर लो पर सबलाइम हो जाना चाहिए सबलाइम मतलब गैशेज फॉर्म में कन्वर्ट तो आ, कैसे तो देखो ये आयोडीन है ना आयोडीन जो है ना वो सॉलिड में मिलता है हमको तो आयोडीन जब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू सब्सटेंस ना या फिर वेपर में जैसे उसका ब्लू कलर का ऐसा वेपर बनता है तो अगेन दैट इज नोन एज सबलिमेशन दूसरी एग्जांपल ना मैं आपको दे सकती हूँ जैसे हम ड्राई आइस कहते हैं ड्राई आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं ना उसका सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस तो ड्राई आइस अपने हाथ पे भी रख लोगे ना तो भी ऐसा फ्यूम्स बन के चले जाएगा तो एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे जिसे आप एक्टिविटी 1.13 बोलोगे जो पेज नंबर एट पे है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सपेरिमेंट में हमने किया है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड अब हमने क्या किया है अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे रख दिया है विच इज इन अ सॉलिड स्टेट और हमें बताना है कि क्या ये सबलाइम हो रहा है या नहीं तो इसको हम हीट करते हैं देखिए हीटिंग करने के लिए हमारे पास है बर्नर दिस इज अ ट्राई पॉइड यहाँ पे वायर गॉश दिस दिस पर्टिक्यूलर डिश इज ऑफ चाइना डिश यहाँ पे दिस इज नोन एज अ इन्वर्टेड ग्लास फनैल हमने इस पे फनैल जो होता है ना वो उल्टा करके रख दिया है अब इसको हीट करे अमोनियम क्लोराइड को तो वेपर्स जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे चिपक जा रहे हैं जैसे ही टेम्परेचर कम होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यहाँ पर थोड़ा कम होता है जैसे ये ऊपर आएगा ये चिपक जाएगा सरफेस से तो मतलब ये सॉलिड पार्टिकल गेटिंग कन्वर्ट इन टू गैस एंड गैस फिर इधर चिपक जाता है सो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पता हो तो नेफ्तलीन बॉल्स ये देखो ऐसे नेफ्तलिन बॉल्स जैसे हम डाम गोड़ी दैट इज वॉट वी से ये भी डालते हैं तो पता है धीरे 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 अपने आप ही कम हो जाती है अब कई बार क्या होता है ये कभी कभी बाथरूम के गटर में भी डाली जाती है तो आप लोग सोचते होंगे कि शायद हम पानी डालते हैं इसकी वजह से ये कम हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता है पानी की वजह से नहीं ये अपने आप ही वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है और वैसा ही है कपूर विच इज नोन एज कैम्फर सर नेम नहीं बोल रही हूँ कपूर कैम्फर को हम हिंदी या गुजराती में कपूर कहते हैं तो वो भी डायरेक्टली गैश फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है सो दिस इज वॉट इज लाइक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो हमने पढ़ा अप टिल नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोज आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप और टेम्परेचर uh, में भी काफ़ी सारी इफेक्ट्स हमें पढ़नी है फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना और बहुत सारे रीजन गिव रीजन पढ़ने हैं जो शांति से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी Or make sure that you learn each and everything what has been taught in a form of the definition today. Thank you.